हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आईटीआई सीवीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले ठीक है दोस्तों सीवीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों हम 5 रिवीजन सेट आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे उसमें फिटर थोड़ी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है दोस्तों उसी में रिवीजन का मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सीवीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज़ आपके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन दीजिए और कमेंट करिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको भी अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों, और आपकी तैयारी भी और अच्छे से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और भाई जिनका जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो लोग जरूर कमेंट बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से और भी स्टूडेंट की मदद कर सकें। ठीक है, जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे दोस्त हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनकी भी मदद हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन फिटर थ्योरी के या वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। पूछ रहा है कि यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। जी दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीवीटी एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत कंफ्यूजन भी क्वेश्चन है, कुछ लोग अभी तुरंत कर देंगे नॉर्मलाइजिंग, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग इसमें से राइट आंसर कमेंट करिए, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, एनीलिंग। जी हाँ दोस्तों, कि स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और भट्टी में ही बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है, एनीलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट के लिए तैयार रहिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है, आपसे पूछ रहा है कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। ठीक, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है, नाइट्राइडिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग या लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि आपको मालूम चल रहा है पढ़ने से ही कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है, तो दोस्तों लिक्विड कार्बोराइजिंग। ठीक है दोस्तों, लिक्विड कार्बोराइजिंग की विधि की जाती है। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या होती है दोस्तों, जैसा कि कोई सॉफ्ट मेटल है दोस्तों तो उसके खाली सरफेस हार्डनिंग मतलब खाली उसका सरफेस का एरिया हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा प्रवेश कराकर खाली उसके ऊपरी हिस्से को सरफेस एरिया को हार्ड कर दिया जाता है तो उसी को सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि देखिए सरफेस हार्डनिंग कि किस विधि में इस सतह स्केल मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका कमेंट करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है ठीक है, और आप क्वेश्चन का मॉडल देखना चाहते हैं कि आखिर एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उस प्लेलिस्ट में हमने मॉडल पेपर भी अपलोड किया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में हमने मॉडल पेपर भी अपलोड किया है, आप मॉडल पेपर भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आई बटन में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन। दोस्तों अगर WCS की भी अगर आप क्लास देखना चाहते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं तो उसका भी हमने क्या कहते हैं कि प्लेलिस्ट में बनाया है। ठीक है, WCS सेकेंड ईयर के नाम से, तो उसमें कम से कम 7 सेट हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिएगा कितने सेट हैं, मुझे याद नहीं है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और जितने क्वेश्चन करवाएं दोस्तों अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरा देख लेते हैं तो 100% आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों,
चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। आई होप आप लोग कमेंट कर लिए होंगे। चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, मतलब कि स्केल मुक्त होती है मतलब कि उसमें आग नहीं होती। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग में एक कौन सा प्रोसेस इसमें आग नहीं होती है। ठीक है, सतह जो है स्केल मुक्त होती है मतलब उसमें आग वगैरह नहीं जलती है, तो वही इंडक्शनिंग हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, अब इंडक्शन हार्डनिंग का फिगर कैसा होता है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का एक राउंड पाइप जैसे होता है। और अभी आप हमारा क्या कहते हैं रिविजन सेट भी देखेंगे, पाँच सेट है हमारा, ये छठवां सेट है, तो आप पिछला वाला देखेंगे उसमें हमने बताया। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप हमारे जो फिटर थ्योरी 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, वहाँ भी आप देखेंगे तो हमने बताया कि एक होता है फ्लेम हार्डनिंग होता है, एक इंडक्शन हार्डनिंग होता है। दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, यहाँ पे आग नहीं जलती है और कुछ इस रॉड तरह होता है। ठीक है, और जहाँ पे दोस्तों एक ऐसे ही फ्लेम हार्डनिंग होती है लेकिन उसमें यहाँ पे आग होती है। ठीक है, तो आप लोग उसको पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फिगर वाले भी, या फिर आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो हम आगे भी इस डायग्राम से लेते सारे क्वेश्चन हम आपको एक बार करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंडक्शनिंग हार्डनिंग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, इस लैब टूल का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो लैब टूल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा लैब टूल है, स्प्लिट बुश लैब, एडजस्टेबल रिंग लैब, एडजस्टेबल सॉलिड लैब या चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो भाई आप लोग कमेंट कर लिए होंगे ना। चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्लिट बुश लैब। ठीक है दोस्तों, स्प्लिट बुश लैब है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस स्क्रू का प्रकार क्या है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार सीबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस स्क्रू का प्रकार क्या है। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि इस हमारे जो रिविजन सेट है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, वो सभी आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों उसमें 50 क्वेश्चन आपके थ्योरी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 25% दोस्तों आपके फिगर्स रिलेटेड होंगे और 25% आपके थ्योरी टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी भी बेहतर से करिए और निमी का PDF जो है दोस्तों उससे भी आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, एक बाई एक क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। ठीक है, निमी का PDF कैसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस स्क्रू का प्रकार क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो स्क्रू है दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा स्क्रू है, ग्रव स्क्रू है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है कि लेथ मशीन का ये चेक है और इसमें कुछ विधि की जा रही है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आंतरिक रिंग लैप, बाहरी रिंग लैप और आंतरिक सिलेंडर लैपिंग, ठीक है, या लैपिंग लार्ज डायमीटर। दोस्तों ये जो हमारा ऑपरेशन किया जा रहा है इसका जो नाम है दोस्तों वो आपका है लैपिंग लार्ज डायमीटर। ठीक है, लार्ज डायमीटर की लैपिंग की जा रही है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल बनाए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे पूछा है कि इस की का नाम क्या है। ठीक है, फ्लैश सेडल की, टेपर संग की, पैरेलल संग की या फिर दोस्तों होलो सेडल की, तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा की है वो हमारा है फ्लैट सेडल की। ठीक है दोस्तों, फ्लैट सेडल की है हमारा, और इसी तरह से हमारा एक होता है होलो सेडल की। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस की का नाम क्या है दोस्तों। तो बहुत से मेरे प्यारे दोस्तों को इसका आंसर तो मालूम ही होगा, इस की का नाम क्या है दोस्तों, आपको देखने से ही मालूम चल रहा है, गिव हेड की। ठीक है दोस्तों, अब इसका
फ़ायदा क्या दोस्तों कि ये आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, गिव हेल्थ टीका ये मतलब उपयोग अच्छा उपयोग है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है इसका लाभ क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा की कौन सा है, गिव हेड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि इस फाइल का नाम क्या है। दोस्तों ये आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा होगा और इसका नाम आपसे पूछा है कि कौन सी फाइल है, टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल या डेड नॉट फाइल। दोस्तों ये भी सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टिंकर फाइल है। जी दोस्तों, ये कौन सी फाइल है, टिंकर फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, तभी आपको मालूम होगा कि आप लोग को कितना आ रहा है, क्या तैयारी है आपकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोग गलत भी कमेंट कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन सीबीटी एग्जाम में अगर आप लोग गलत कर देंगे तो नहीं चलेगा ना दोस्तों, आपका नंबर कम हो जाएगा। चलिए, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज या प्रोग्रेसिव गेज। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि आकृति की पुष्टि करने हेतु जो वर्क पीस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्रोफाइल गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फिनिश ट्यूबलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये आपसे पूछा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी दोस्तों। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्ट्रैप रेंच। दोस्तों फिनिश्ड ट्यूबलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रैप रेंच का। ठीक है दोस्तों, ये फिनिश्ड ट्यूबलर सतह पर स्क्रैच होने से बचाते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रैप रेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रैप रेंच है दोस्तों, इसका फिगर भी होता है, उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे रिवीजन सेट को चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें दोस्तों जितने भी अभी हमने पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पाइप फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि पूछा है केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह को अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, प्लग कॉक, निडल वाल्व, नॉन निडल वाल्व या प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व। ठीक दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आयो दोस्तों कि आप लोग कमेंट कर ली होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन रिटर्न वाल्व। ओके दोस्तों, नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व क्या कहता है कि दोस्तों द्रव को प्रवाह की अनुमति देने के लिए, मतलब एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है, दूसरे दिशा में क्या कहता है, प्लग कर देता है। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जी दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है फिगर है ना दोस्तों, इसमें ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है दोस्तों, ये आपसे पूछा है कि ये कौन, मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, जूम कर देते थोड़ा, देखिए ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये काला काला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वॉल्व सीट। ठीक है दोस्तों, क्या है, वॉल्व सीट है। चलिए, पाइप फिटिंग से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सब आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक चूड़ियों वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, प्लग, कैप, रेड्यूसर या कपलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंतरिक चूड़ी वाले पाइप होते हैं उसको बंद करने के लिए प्लग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ लेता कि बाहरी चूड़ी वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए, तब हमारा क्या हो जाता, ऑप्शन हमारा हो जाता तब बी, ठीक है, कैप हो जाता अगर पूछ लेता बाहरी चूड़ी को बंद करने के लिए। ठीक है,
तब हमारा आंसर ट्रैप हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा प्लग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को एक्स के रूप में भाग दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, बाहरी पाइप, फैम पैकिंग, टेपर्ड मेल थ्रेड या पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेम्प पैकिंग। ये भी सीबीटी एग्जाम में कई बार आए हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है, आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं और शायद रिविजन में भी हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। अब आपके सामने दोबारा बार आया है तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताएं कमेंट में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूसर टी ज्वाइंट। क्या है दोस्तों, ये हमारा है रिड्यूसर टी ज्वाइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ठीक। आपको ऑप्शन दिख गए होंगे, जल्दी से आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पूछा है कि ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम आपसे पूछा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीटी एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस्ट्रिक रिड्यूसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपसे पूछा है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा उपकरण जो है ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है, जिग, फिक्चर, चक या मशीन वाइज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिग। जिग जो हमारा होता है दोस्तों वो ऑपरेशन के लिए मतलब कटिंग टूल को पकड़ता भी है, सपोर्ट करता है और लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो हमारा फिक्चर होता है दोस्तों ये क्या करता है, केवल पकड़ता है दोस्तों, ठीक है, जो आपको पकड़ता है सपोर्ट करता है लेकिन गाइड नहीं करता है, ठीक है। फिक्चर गाइड नहीं करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है, तो ऑप्शन ए, जिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है, ठीक है। जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है, टूथ क्लैंप, लैच क्लैंप, टॉगल क्लैंप, वेज क्लैंप। दोस्तों आप लोग पढ़े जरूर होंगे, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टॉगल क्लैंप, ठीक है, टॉगल क्लैंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शीशा कांच से बियरिंग मटेरियल में शीशा की प्रतिशत संघटन क्या है, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा कि शीशा कांच से बियरिंग मटेरियल में शीशा की प्रतिशत संघटन क्या है, दोस्तों ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए, कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 24%, ठीक है। शीशा कांच से बियरिंग मटेरियल में शीशा की जो प्रतिशत संघटन है वो 24% है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मैलाकाइट एस में तांबा का प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे पूछा है, 20%, 30%, 55% या 80%। दोस्तों जो हमारा मैलाकाइट एस होता है उसमें जो तांबे का प्रतिशत होता है वो हमारा कितना होता है, 55% होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है। दोस्तों गियर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है, दोस्तों ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, रैक है, ठीक है, और ये हमारा पिनियन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैक एंड पिनियन, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, रैक एंड पिनियन, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा कपलिंग में जिससे गैजिंग का प्रावधान होता है, ठीक है। क्लैम कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या फिर दोस्तों प्लेट कपलिंग। तो जल्दी से दोस्तों बताइए कौन से कपलिंग में डिस गैजिंग का प्रावधान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राइट किस धातु से निकाला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और धातु अगर अभी जो चैप्टर है आपका दोस्तों उसको भी आप लोग बात जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस राइट किस धातु से निकाला जाता है, टीन, लेड, तांबा या एल्यूमिनियम। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस राइट जो धातु किस धातु से निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आप क्वेश्चन आप इसमें से सही किए हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। कि कीवी टेपर का अनुपात क्या है, जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। आई होप कि ये तो आपको मालूम ही होगा ना दोस्तों, कमेंट करिए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1:100, ठीक है। कीवी टेपर का जो अनुपात होता है 1:100। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है। और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें अपने चैनल के माध्यम से तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक है दोस्तों। और मॉडल पेपर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फिटर थ्योरी का मॉडल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से करवाया गया, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।